पर झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। ये तीन रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका मांग करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। काना तुम कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया, इस चवन्नी के तिरंगे के लिए शाबाश। भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है, तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? दो कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है, आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहराकर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे भी न लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशाई होते हैं, मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा तुम इस मुल्क के निगेबान हो, लो संभालो अपने देश की इज्जत को, इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.